नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,956 पे और 900 के ऊपर जरूर हम कामयाब हो गए क्लोज करने में, लेकिन यहां पे देखा जाए तो हम 18,000 के नीचे ही यहां पे क्लोज कर रहे हैं। और कंटिन्यू देखेंगे तो पिछले 4 वीक से हम लगभग एक ही लो फॉलो कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि निफ्टी अब यहां पे रेडी हो रहा है एक मूवमेंट के लिए। वो मूवमेंट ऊपर की साइड की होगी कि नीचे की साइड में मिलेगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। कंटिन्यू हम 4 वीक से एक ही लो को टेस्ट कर रहा है। ये जो रेड कैंडल बनी है ये लगभग है 460 पॉइंट की रेड कैंडल है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये 300 की कैंडल है। ये वाली रेड कैंडल वापस जो बनी है वो 250 पॉइंट की कैंडल है। और जो आज फ्राइडे की हमारी जो क्लोजिंग हुई गई, वीकली क्लोजिंग हुई है, वो सिर्फ 90 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो वॉलिटिलिटी देखिए, धीरे धीरे वीकली वॉलिटिलिटी यहां पर क्लोजिंग बेसिस पे धीरे धीरे कम हो रही है और अभी भी कैंडल इसी रेड कैंडल के अंदर में ही क्लोज है। देखिए आगे की 3 कैंडल है, वीकली कैंडल है, ये डेली कैंडल नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहां पे वीकली चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो ये वीकली कैंडल है ना, ये वीकली कैंडल 4 वीक से हम एक ही लो को यहां पे लगभग मेंटेन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड में जो सपोर्ट है निफ्टी पे वो बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। वो सपोर्ट आप मान के चलिए क्लोजिंग बेसिस पे 17,750। निफ्टी की तरफ नीचे की साइड में जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है, देखिए हम 4 वीक लगभग 1 महीने से हमने इस लो को कंटिन्यू रिस्पेक्ट किया है। तो यहां पे जो लो है वो है 17,750। ये हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी पे। निफ्टी पे जो सपोर्ट है वो है 17,750 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड में जाते वक्त हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि हमने इसी लेवल को ब्रेक करके हमने नीचे ट्रेड किया, तब से हम कंटिन्यू 3-4 वीक से हम नीचे की साइड में ही यहाँ पे कंटिन्यू क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए वो नीचे की साइड में जो है सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा है 18,255। ध्यान रखिएगा, जब भी वीकली चार्ट 18,255 के ऊपर की क्लोजिंग या 17,750 के नीचे की क्लोजिंग अगर वीकली चार्ट पे मिली, तो निफ्टी यहां से लगभग आपको 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है। अगर इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया, तब अगर ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो यहां पे 400-500 पॉइंट आपको अपमूव यहां पे निफ्टी देख सकते हैं निफ्टी में आप। तो नजर बना के रखिए, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में है। इस रेंज को जिस साइड में हम ब्रेक करेंगे, हमारे पास यहां से ये मान के चलिएगा कम से कम 3 से 3.5% का मूव यहां पे निफ्टी में है ऊपर या नीचे की साइड में। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट या ब्रेकआउट किस साइड में हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसकी जो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये लो को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, कई बार ये करता है क्या, लो को बार बार आके हिट कर रहा है और सडनली कहीं पर ब्रेक कर देगा। कुछ ऐसे न्यूज इसको मिले, ब्रेक कर देगा तो काफी तेजी से नीचे की साइड में मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकती है। तो नजर बना के जरूर रखिएगा, 17,750 अगर किसी के पास निफ्टी की पोजिशन होगी तो उसका स्ट्रांग जो एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, वो 17,750 का यहाँ पे एसएल यहाँ पे रहना चाहिए। अब चलिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी आपको बैंक निफ्टी को जरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फिबोनाची लगा लिया ये, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से मैंने ये जो लो है, इस लो को मैंने यहाँ पे लो पॉइंट को मैंने ऐड किया और यहाँ पे हम हाई पॉइंट को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सही जगह पे इसका सपोर्ट आ रहा है। जो 50% का सपोर्ट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, 50% का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल इसी जगह पे आ रहा है। और वो जो लेवल है वो है यहाँ पे 17,812 का। तो इसीलिए मैंने जो स्टॉप लॉस आप लोग को बताया 17,750 का, ये सेफ स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो निफ्टी जो है वो तेजी से नीचे की साइड में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये रैली हमने स्टार्ट की थी 16,754 से, इसी मूव में हम यहाँ पे गए 18,870 पे वापस। लगभग हमने 18,870 से देखा जाए तो हम 700 के आसपास आते हैं कंटिन्यू, 750 के आसपास। तो अभी हमने यहाँ पे क्लोज दिया है लगभग 18,000 के आसपास में। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए कि लगभग 1,000 पॉइंट का ये करेक्शन ये कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट करने के बाद ये रेंज बना रहा है। अब ये रेंज पर ही नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये रेंज ही आपको प्रॉफिट देगी। ध्यान रखिएगा, रेंज के जिस साइड में निफ्टी निकला वहाँ से आपको 400 से 500 पॉइंट की एक फास्ट
फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी और ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। ये ऊपर की साइड में भी जा सकता है, नीचे की साइड में भी जा सकता है। तो ये आप देखो, आप ट्रेडर हो, ध्यान रखो ट्रेडर कभी ये अज्यूम नहीं करता है कि ऊपर का ही ब्रेकआउट मिले। आप ट्रेडर हो, रोज का आपको ट्रेड करना है, तो आप एक लेवल को देखो। आप ये अज्यूम मत करो कि मुझे बायर ही बनना है, मुझे सेलर ही बनना है। ट्रेडर बनो, बायर और सेलर मत बनो, आप ट्रेडर बनो। ट्रेडर का ये होता है काम कि ट्रेडर अपने लेवल को फॉलो करता है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ, अभी मेरा यहाँ पे कोई व्यू समझ में नहीं आ रहा। बीच में अगर डेली चार्ट देखूंगा या इंटरडे चार्ट देखूंगा तो छोटे छोटे मूव पकड़ में आएंगे। अगर बड़ा मूव मुझे पकड़ना है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, या तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करे, या फिर इसके नीचे निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करे, तब आपको बड़ा मूव मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट जो हमारा आ रहा वो भी लगभग 17,800 के आसपास में आ रहा, जो हमारा ये सपोर्ट आ रहा पैरेलल तो सपोर्ट लाइन आ रही है वो भी हमारी 17,750 के पास में ही आ रही है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, एसबीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीख रही है। अब यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान से देखिएगा। आज फ्राइडे है तो आज के लो को मैंने यहां पे मैच कर दिया है, आज के सॉरी इस वीक के लो को मैंने यहां पे देखा है। तो इस लास्ट जो लो था वो मैंने पकड़ा, क्योंकि इसी लो के आसपास कंटिन्यू हमने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेट करने के बाद हम ऊपर की साइड में निकले थे वीकली चार्ट पे। तो इस लो को हमने ऐड किया है, इस लो से हमने जो इस वीक का लो है उसको मैंने मैच किया है। तो अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक, देखिए यहां पे एक सपोर्ट नहीं है, ऑलरेडी यहां पे तीन सपोर्ट मिल रहे, बिल्कुल क्लियर कट तीन सपोर्ट मिल रहे। एक तो पैरेलल लाइन का सपोर्ट जहां पे हमने पिछला ब्रेकआउट किया था, ये हमने ब्रेकआउट किया था, यही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट जो कि 50% का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तीसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही कंडीशन में सपोर्ट बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे निफ्टी में बना हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ट्रेंड लाइन अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, बस इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है हमें ये वेट करना है। ब्रेकआउट होता है तो भी एक बहुत अच्छी चाल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी, और ब्रेकडाउन होता है तो भी आपको बहुत अच्छी चाल निफ्टी में देखने को मिलेगी, जो कि इसको लेके आएगी 16,700 के आसपास का। ये मूव बिल्कुल ओपन हो जाएगा, पहला जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो यहां पे मिलेगा 16,400-16,500 के बीच में, और दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा यहां पे 16,700 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा मूव ओपन हो जाएगा डाउन साइड के लिए अगर हम इस ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं। तो अब देखना है कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में किस साइड में ब्रेक करता है। होप ये है कि ये कंटिन्यू बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो सपोर्ट ले रहा है ये सिर्फ सपोर्ट नहीं ले रहा है, ये SL है। ये पिछले चार वीक का, जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं ना इंडेक्स को, उनके चार वीक का ये SL लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा चार वीक का SL, अगर चार वीक का SL जब ब्रेक होगा ना तो ये समझिएगा कितनी बड़ी क्वांटिटी इनके पास में होगी। चार वीक धीरे धीरे लोग ऐड कर रहे हैं, तो चार वीक का जब SL ब्रेक होगा ना तो ये 300-400 पॉइंट तो ऐसे बैंक निफ्टी निफ्टी दो दिन या एक दिन में ही दिखा देगा। तो यहां पे ये नजर बना के आप जरूर रखिएगा। उसी तरह से ऊपर की साइड में भी देखिएगा, तो यहां पे अगर 300-225 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना, 18,225-18,200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो ये ऊपर की साइड में मूव भी इसी तरह के देगा, क्योंकि यहां पर भी SL लगे हुए हैं या फिर कॉल राइटर जो होंगे, पुट राइटर होंगे, वो लोग पोजिशन बना के रखे हुए हैं इस बीच में, कि जैसे इस बीच में अगर निफ्टी क्लोज करता है तो ये सारा पैसा जीरो, प्रीमियम जीरो हो जाएगा और सारा उनका प्रॉफिट होगा। तो इस साइड में ऊपर या नीचे एक बहुत बड़ा डायरेक्शन मूव आपको मिल सकता है निफ्टी में। तो यहाँ पे आप लोग नज़र बना के जरूर रखिएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगर आपको डेली वीडियो निफ्टी वाली चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं कल बैंक निफ्टी की निफ्टी की एक डेली वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।